हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। हमने कहा था कि प्रकाश के अपवर्तन से कुछ यदि प्रश्न बनते हैं तो उसको हम आज बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, या हमने 16 क्वेश्चन बता चुके थे, 17वां क्वेश्चन है, जब 1.47 अपवर्तनांक वाले लेंस को किसी द्रव में रखा जाता है तब लेंस अदृश्य हो जाता है। अदृश्य कहने के मतलब कि वो लेंस दिखाई नहीं देता है। जब ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.47 हो, क्या बोलते हैं, उस लेंस का अपवर्तनांक 1.47 हो और किसी द्रव में रखा जाता है तो दिखाई नहीं देता है वो लेंस, तब देखिए क्या होता है। तो बताइए कि द्रव का अपवर्तनांक कितना है, कितना हो सकता है उसका द्रव का अपवर्तनांक, और यह कौन सा द्रव हो सकता है ना। तो इसको क्लियर करना है तो सबसे पहले बात हम आपको बता रहे हैं कि जब 1.47 अपवर्तनांक वाले लेंस है, ठीक, और यदि 1.47 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाएगा तो वह दिखाई नहीं देता है, अदृश्य हो जाता है, क्योंकि उसका मीडियम में जो है, उसका जो अपवर्तनांक है दोनों मीडियम का, वह सेम हो जाने के कारण वह दिखाई नहीं देती है वस्तु। और ऐसा जो उपयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ये जादूगर लोग ज्यादा ऐसा करते हैं। गाँव देहात में दिखाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि यार देखो लेंस है, अब इसको डाल रहे इस द्रव में, यह दिखाई नहीं देगा। और सच में होता ऐसा ही है, डाल देता है उस द्रव में तो उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, उतना ही होता है जितना लेंस का होता है। यानी 1.47 यदि लेंस का है, वैसे साधारणतः जो लेंस का जो होता है वह 1.5 होते हैं, खैर, और जो हाई क्वालिटी का होता है उसका ज्यादा होता है। लेकिन आपको दे करके रखा है कि 1.47 है अपवर्तनांक वाले, तो ऐसा होता है कि डाल दिया जाता है फिर दिखाई नहीं देता है ना। तो लोग कहते हैं बड़ा जादूगर, जादू कर दिया इन्होंने, जैसे कुछ कर दिया इसमें, है ना। तो वह उनके द्वारा किया नहीं गया, बल्कि यह साइंस का यह प्रयोग है, साइंस ने ऐसा किया है। कोई भी आदमी जो जादू दिखाता है बिना भौतिक का प्रयोग किए हुए, बिना साइंस के सहारा लिए हुए, यह नहीं करता, चाहे भौतिक कह रहे चाहे केमिस्ट्री का, मैंने साइंस का प्रयोग करके ही आपको बताता है। तो देखिए, यह जो मीडियम है, एक लेंस लेते हैं, ठीक है, ये लेंस है, इसका कितना है अपवर्तनांक, 1.47 है, इसका 1.47 है। और ये जो मीडियम है, कहा गया ना कि द्रव में रखा गया है, द्रव में रखा जाता है, तो इस मीडियम को बना लेते हैं द्रव, किसी टाइप का एक द्रव, ठीक है, ये द्रव है। यदि यह द्रव है, द्रव पता नहीं है कि कौन सा द्रव है, कितना अपवर्तनांक वाला द्रव है वो पता, देखो किसे होता है। अब 1.47 अपवर्तनांक वाले यह लेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो समझिए कि यह जो अपवर्तनांक वाले जो लेंस है उतना ही अपवर्तनांक वाले द्रव भी होगा, ठीक है, तभी यह नहीं दिखाई देता है। यदि अपवर्तनांक चेंज होता है तब वह दिखाई देने लगता है, और यदि वह नहीं दिखाने का कारण है क्योंकि जैसे ही यह प्रकाश आता है तो मीडियम चेंज रहता है, तब ना यह उत्तल लेंस का मीडियम चेंज रहता है। क्यों ऐसे, देखिए, क्योंकि निर्वात का एक होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, एक होता है, और जो लेंस का होता है वह डेढ़ होता है, 1.5 होता है। तो होता ऐसा है कि जैसे ही निर्वात में लेंस को रखते हैं, और मीडियम क्या है, निर्वात का एक है और लेंस का डेढ़ है, तो जैसे ही प्रकाश आती है तो यह फोकस से अभिसरित हो जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है अभिसरित होकर के। लेकिन यहाँ बात है इस मीडियम में कि अपवर्तनांक इसका सेम है और इसका भी अपवर्तनांक उतना ही है, दोनों का अपवर्तनांक, तो ये जो है किरण से ऐसे यह फोकस से न गुजर करके यह सीधी पार हो जाती है, सीधी पार हो जाती। अब यह कहाँ पार होगा, बिल्कुल एकदम कटेगा ही नहीं, कहीं कहीं फोकस होकर गुजरना ही नहीं इसको है, तो क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है ना, इनफिनाइट। तो अब इसका जो फोकस लेंथ होता है से क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है, अनंत तक हो जाता है ना। क्योंकि जब भी कोई लेंस से कोई किरण यदि जाएगी और अभिसरित होती है तो फोकस से जाकर के ही कटती है, फोकस से ही, और इसीलिए यह लेंस में जो होता है से ए बराबर जो आर बाई टू होता है यह नहीं होता है,
क्योंकि कब कहां इसका फोकस कितना दूरी पर होगा वो कोई निश्चित नहीं होता है, समझे। ऐसा नहीं है कि फोकस का जो त्रिज्या जो है से फोकस का ही या त्रिज्या का या आधा होता है, ऐसा बात नहीं है कि त्रिज्या का आधा फोकस होता है, बल्कि इसका फोकस बदल जाएगा, ये मीडियम पर डिपेंड करता है ना। यहाँ बात सबसे वही यह है कि मीडियम पर डिपेंड करता है कौन सा माध्यम है, और माध्यम के अनुसार ही फोकस की दूरी निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यह दर्पण के लिए लागू होता है, न कि लेंस के लिए, है ना। तो देखिए इसका जो फोकस होगा से क्या हो गया, अनंत हो गया, ठीक। तो अनंत हो गया, वैसे इसका जो उत्तर है आप तो पता कर ही चुके हैं कि यदि एक ही अपवर्तनांक वाले रहता है तो नहीं दिखाई देती है, तो अपवर्तनांक 1.47 और देखिए कहीं है, ठीक है, यहाँ है। तो अब और प्रश्न पूछा था कि कौन सा द्रव हो सकता है, ठीक है, तो यह कौन सा द्रव हो सकता है, तो द्रव जो है लगभग 1.47 जो होता है अपवर्तनांक वाले, तो वह होता है ग्लिसरीन का। आपको द्रव का तो 1.33 होता है ना, तो यह द्रव तो हो नहीं सकता, होगा तो क्या होगा, ग्लिसरीन हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर ऐसे ही हो जाएगा, और मैं और बता रहा हूँ, देखिएगा जैसे इसका फोकस तो अनंत हो गया, ठीक है। यदि इसको अगर फोकस पूछता है, घुमा कर भी प्रश्न पूछ सकता है, आपको नहीं पूछा कि अपवर्तनांक कितना होता है, नहीं पूछा कि यह कौन सा यह द्रव है, बल्कि यह पूछा कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, अनंत हो जाएगा। यदि आपको घुमा के अगर ऐसा ही पूछ दे कि ऐसा, अच्छा इसका बताओ कि लेंस की क्षमता क्या होगा, है ना, पी क्या हो जाएगा, तो देखिए पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। जब फोकस अनंत है तो 1/अनंत कहने का मतलब क्या होगा, अनंत का वैल्यू क्या होगा, 1/0 हो जाता है ना, 1/0 का मतलब होता है अनंत होता है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो 1 × 0/1 यानी 0 आ जाएगा, यानी लेंस की जो क्षमता आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इसमें लेंस की क्षमता 0 आ जाता है, ठीक। तो आप इसके बारे में बिल्कुल समझिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको बिल्कुल आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है हमको, समझे ना। तो अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यह है अगला प्रश्न, सामान्यतः लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, सामान्यतः बात किया जा रहा है, जनरली लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वह हमने अभी तुरंत ही बताया था कि लेंस का जो अपवर्तनांक होता है यह सामान्यतः 1.5 होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सामान्यतः बात किया जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। तो आप इसके बारे में समझ गए हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यह है अगला प्रश्न, कांच का एक उत्तल लेंस पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, तो हवा की अपेक्षा इसका फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी अपने उत्तर का कारण देना। ध्यान से इसको समझिए, क्या है सबसे पहले, कांच का एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किस चीज का है, कांच का। जब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.5 होता है, सामान्यता की बात मैं कर रहा हूं, तरह पानी में डूबा हुआ है, तो हवा की अपेक्षा इसका फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी अपने उत्तर का कारण देना, कि बढ़ेगी या घटेगी। तो सबसे पहले हम ऐसे ही प्रैक्टिकली जांच कर लेते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले निर्वात में देखते हैं क्या होता है फोकस, और उसके बाद हम रिलेट करेंगे पानी में रखकर के मीडियम में, दोनों मीडियम में जांच कर लेते हैं। कांच तो वही रहना है 1.5 अपवर्तनांक वाले, बट जो मीडियम होता है वह सिर्फ चेंज करना। तो निर्वात के लिए क्या होता है अपवर्तनांक, 1 होता है। तो हम जानते हैं कि यदि कम अपवर्तनांक से यदि ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है तो वह कीड़ा जो है से मुड़ने लगता है ना, अभिसरित होने लगता है, मुड़ने लगता है। तो देखिए यह उत्तल लेंस है, 1.5 अपवर्तनांक है, और यह जो हवा में है यह 1, तो जैसे ही यह किरण प्रवेश करेगी तो अभिसरित होगी, फोकस पर अभिसरित हो गया, या जब भी यह उत्तल लेंस से अभिसरित होंगे तो वह फोकस पर ही होंगे, ठीक, फोकस पर हो गए, इतना हो गया इसका। अब हम पानी में रखते हैं, बात कहा जा रहा है पानी का, पानी में मीडियम ले लेते हैं, ऐसा पानी। अब यहाँ पे उत्तल लेंस को जल में रख देते हैं, जैसे ही इसको हम जल में रखते हैं तो हम जानते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5
तीन तीन होता है, ठीक है। यहाँ तो एक था और इसका 1.5 था, यह ज्यादा अभिसरित हो गया, लेकिन यह 1.33 है और कांच का तो 1.5 रहना है, 1.5 रहना है, सेम तो नहीं ना है। अगर सेम रहता तो एक किरण क्या होता, या आधा तो यह सीधी चल जाती और दिखाई नहीं देती, लेकिन अपवर्तनांक से थोड़ा सा चेंज तो है, तो चेंज है तो चेंज है तो अभिसरित जरूर होंगे, अभिसरित होंगे लेकिन इतना जल्दी नहीं, क्योंकि 1.5 है तो ज्यादा अभिसरित हो जाएंगे एक की अपेक्षा है तो, अब 1.33 है 1.5 है तो यह अभिसरित होंगे लेकिन काफी दूर के बाद होंगे, अभिसरित तो होना है लेकिन काफी दूर के बाद अभिसरित होंगे, ठीक है। इसका फोकस कितना हो जाएगा, इतना दूर हो गया, ये नजदीक है लेकिन यह ज्यादा हो जाएगा। तो यह प्रश्न में कही जा रही है कि हवा की अपेक्षा इसका फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी, तो हवा की अपेक्षा क्या हुआ, फोकस दूरी बढ़ी गया ना, बढ़ा ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। हमने तो प्रैक्टिकली बताया है ना, प्रैक्टिकली बताया कि क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद अब आते हैं मैथमेटिकली कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, देखते हैं। अब मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, देखिए शायद दसवां तो पढ़ने के लिए नहीं है, मैं जान रहा हूँ इस बात को, लेकिन यह इंटर में जैसे ही जाइएगा फिजिक्स जब आपको पढ़ने की मौका मिलेगी ट्वेल्थ क्लास में, तो एक लेंस मेकर सूत्र होता है, 1/F बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाटा आर 1 माइनस 1 बाटा, यस जो है सूत्र होता है लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। अब हमको क्या याद करना है, सबसे पहले यह जांच करते हैं निर्वात और या कांच को लेकर के, रिलेटिव परमिटिविटी ज्ञात होगा ना, रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात होगा है ना। देखिए अब सापेक्षिक अपवर्तनांक में इसमें देखिए हमको दो का सापेक्ष लेना है, एक कांच को लेना है और एक मीडियम को लेना है, जिसको हमको ज्ञात करना रहेगा यह अपवर्तनांक जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, किसको ज्ञात करना है, एयर का, एयर लिख देते हैं, और किसके सापेक्ष में, ग्लास हो गया, ठीक है। अब ग्लास को हम एयर के सापेक्ष में ज्ञात करते हैं, तब यहां पे ऐसा हो गया, ठीक लिखा गया, देखिए ठीक। आप यहां पे जो अपवर्तनांक है वह अब इसको तोड़ते हैं, तो इसका जो सूत्र हुआ क्या होगा, म्यू जी बाय म्यू एयर हो जाएगा, ठीक है, म्यू एयर हो जाएगा, एयर के या जो एयर हुआ था शॉर्ट में लिख दिया, और माइनस वन हो जाएगा, वन बटा आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक। अब यहां पे देख रहे हैं कि म्यू जी है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, ग्लास का, ग्लास का अपवर्तनांक म्यू माने अपवर्तनांक, जी मतलब ग्लास, म्यू माने अपवर्तनांक और ए माने एयर हवा, तो इसका जो होता है ग्लास का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.5 होता है। अब एयर का जो होता है उसका एक होता है, कितना होता है, एक होता है, 1/R1 - 1/R2 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वैसे हम इसको यहां पे छोड़ देते हैं, इस चीज के लिए हम क्या कर रहे थे, या एयर के लिए, ठीक है, या एयर के लिए, यह है 1/F1 जो लिखे हैं, लेंस की क्षमता है, फोकस हम बाद में देख रहे हैं। आप दूसरा नेक्स्ट हम सूत्र लिख रहे हैं किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि यह प्रश्न दी गई है, एयर है एक, एक वाटर है, तो इसके लिए जैसे ही अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो इसके लिए तो सेम सूत्र होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ ग्लास है तो ग्लास, यहाँ वाटर कर देते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ पे वाटर है तो वाटर यहाँ पर हो जाएगा और ग्लास है तो ग्लास हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लान देते हैं क्योंकि तो समय के भी ज्यादा खपत हो जाएगी, तो म्यू जी बाय म्यू वाटर माइनस वन वन बटा आर वन माइनस वन बटा आर टू, त्रिज्या तो सेम रहना, त्रिज्या तो उतना है, त्रिज्या का कोई हमको लेन देन नहीं है, ठीक है, वह तो सेम है, दोनों में सेम है, हमको तो यहाँ अपवर्तनांक यहाँ देखना है क्या बढ़ता है घटता है कि नहीं। अब ग्लास का तो अपवर्तनांक उतना ही है, 1.5 यहाँ था, यहाँ भी है, बदलेगा थोड़े ना, वही ना रहेगा,
लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण अपवर्तनांक तो चेंज हो जाएगा, 1.33 अपवर्तनांक है। यहीं पे समझ लीजिए आप मैथमेटिकली, आप जांच कर लीजिए करके, ठीक है, मेरा बोर्ड भर गया है, वैसे आप मैथ जानते हो, कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो भाग दे रहे हैं 1.33 है, ज्यादा है, और यहाँ क्या है, एक है, तो इसको भाग देंगे तो 1.5 आ रहा है, ठीक है, यह ज्यादा आएगा, और 1.33 से यदि भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कम आएगा, ठीक है, और माइनस एक घटाना भी है, लगभग 1.22 या कुछ सापेक्ष में आता है, तो ये घटाएंगे तो 0.23 इस टाइप का बचेगा, और ये तो 1.5 आ जाएगा, तो माइनस एक कर देंगे तो 0.5 बचेगा, तो कहीं ना कहीं तो इसका ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, तो क्या ज्यादा होगा, यह लेंस की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि 1/f माने क्या होता है, लेंस की क्षमता होगा, तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो 1/f वाटर है यह क्या हो जाएगा, कम जाएगा लेंस की क्षमता, ठीक है, कम न जाएगा, यहाँ पर घटने के बाद कम यदि आता है तो कम जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आता है तो बढ़ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना कि 1/f बड़ा होगा 1/f वाटर से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन यह प्रश्न में कहा गया है कि फोकल दूरी किसका बढ़ता है या घटता है, है ना, फोकल दूरी की बात किया जा रहा है, तो यह तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, एफ वाटर और ये चीन जैसे कि तैसे रहने देना, एफ ए तो क्या हो जाएगा, वाटर के मीडियम में बढ़ जाएगा फोकस, बढ़ गया था ना, यहाँ बढ़ गया था ना, हमने प्रैक्टिकली ही बता दिया कि यह बढ़ गया, ठीक है, इसके सापेक्ष क्या हुआ था, बढ़ गया था, और मैथमेटिकली हमने बता दिया कि बढ़ गया, यदि यही बात करता लेंस की क्षमता का तो घट जाता है ना, यहाँ पे लेंस की जो क्षमता है से, हाँ लेंस की क्षमता जो है से घट जाता लेंस की क्षमता, क्योंकि ये जो हमने ज्ञात किया था 1/f एयर, तो एयर में क्या होता कि लेंस की क्षमता बढ़ता और वाटर में एयर की अपेक्षा घट जाता, लेकिन जस्ट इसका उल्टा उल्टा हो जाएगा कि वाटर में बढ़ जाएगा एयर में घट जाएगा, ठीक है, तो आप इसके बारे में समझ गए हैं, अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ये है अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की क्षमता घट जाती है या बढ़ जाती है, जो भी होता हो उसका कारण देना है ना, अब बताइए ना, हमने पिछले ही क्वेश्चन में तो कारण पूरा बता दिया और हमने मैथमेटिकली भी सॉल्व कर दिया था, तो उसमें बात था कि फोकस पर, तो उसमें फोकस नहीं होता था कि बढ़ जाता था, तो इसमें लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने तो यह जांच कर लिया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसमें लेंस की क्षमता क्या होता था, फोकस दूरी, फोकस लेंथ उसमें बढ़ जाता था तो इसमें यह घट जाता है, और यदि अच्छी तरह समझना है तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा वीडियो और उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको तो कोई दिक्कत होगा, यही वही बात हो रहा है कि उत्तल लेंस है पानी में डुबाया जाता है, सबसे पहले हमने निर्वात में जांच कर लेंगे, उसके बाद पानी में डुबा करके जांच कर लेंगे कि इसमें क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तो उस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब हम अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, कि अगला प्रश्न क्या है या नहीं है, ये है अगला प्रश्न, साधारण कांच की अपेक्षा हीरा अधिक क्यों चमकता है, तो देखते हैं क्यों चमकता है, ऐसे चमकाते हैं बोर्ड पर देखिए साधारण कांच की बात है, तो साधारण कांच की जो अपवर्तनांक होता है इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.4 होता है, और दोनों का जो अपवर्तनांक है बिल्कुल चेंज होता है, तो अब होता है क्या है, क्या मीडियम को हम लेते हैं अलग अलग माध्यम, अब इस निर्वात में इसको रखते हैं, हाँ तो देखिए जब अलग अलग अपवर्तनांक रहता है तो उसका क्रांतिक कोण भी अलग अलग होता है, यहां देख लेते हैं, यह जो मीडियम है वह हीरा का है, और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है, और निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है, ये बाकी सब निर्वात, तो देखिए जैसे अपवर्तनांक
ये जो हीरा चमकता है इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और हम वही बताने वाले हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कैसे होता है ना। तो देखिए सभी मीडियम का अलग अलग क्रांति कोण होता है, और क्रांति कोण किसको कहते हैं, वह जैसे ही किरण परावर्तित होकर के 90 डिग्री पर चला आता है, और जाना चाहिए किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो यदि आपतन कोण वाला जो कोण होता है ना, ये सघन माध्यम जैसे ही विरल माध्यम में जाता है तो जो क्रिटिकल एंगल होता है और यहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे जो हीरा का होता है अपवर्तनांक, जो क्रांति कोण होता है कम होता है, हीरा का लगभग 24 डिग्री होता है, ठीक है, और 24 डिग्री होता है। अब यहां से जैसे ही जो किरण जाएंगे, ये तो हो गया, ये 90 डिग्री का क्रांति कोण हो गया, क्रिटिकल एंगल है 90 डिग्री, 24 डिग्री पर जैसे ही किरण यदि जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो ये 90 डिग्री पर इस रेखा से मुड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसका एंगल जैसे बढ़ता जाता है, अब इसका देखते जाइए, कहने का मतलब हुआ कि जितना इसका क्रिटिकल एंगल कम रहेगा उतना ही चमकेगा, देखिए चमक रहा है। अगर इसका कम रहता है, ठीक है, जैसे इसका यहाँ पे गया तो ऐसे हुआ, फिर और बढ़ेगा तो और नीचे आएगा, फिर और जाएगा तो और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो और नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो इस तरह से चमकने लगते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अपवर्तनांक कम रहता है, ये तो हीरा के लिए यहाँ पे हुआ क्रिटिकल एंगल, लेकिन यदि इसका अपवर्तनांक कम जाएगा तो किसी का यहाँ होगा क्रिटिकल एंगल, है ना, आप देख सकते हैं। अगर किसी का मीडियम जो है तो 2.4 उससे कम है, ठीक है, तो जैसे ही जाएगा तो यहाँ किसी का क्रिटिकल एंगल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री नंबर थी, यानी सही मीडियम के लिए अलग अलग होता है और इसके लिए हीरा का कम होता है। अगर मान लिया कि इसका ज्यादा है तो ये कम ही नहीं चमकेगा, कमेगा ना, मान लिया कहाँ अच्छा है तो कम चमकेगा, और इसका इससे भी कम रहेगा तो और यहीं से क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री पर, तो चमकेगा बस तनी सन चमकेगा। लेकिन इसमें है कि ज्यादा या क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, इसकी वजह से यह ज्यादा चमकने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हीरा जो चमकता है वो इसी कारणवश, यानी जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, हमने लिखा भी नहीं था, लेकिन यदि ऑप्शन में आता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मार दिया जाए, किसी पर कोई गलत नहीं होगा। और मैं 4-5 क्वेश्चन लगभग हमने दे दिए हैं, अब जो भी इससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।